तालिबान को लेकर कई मुस्लिम देश ऐसे हैं जो भारत के संपर्क में हैं। मुस्लिम देशों के भारत के साथ आने से पाकिस्तान परेशान है। तालिबान को साथ देने के बाद अब फिलहाल पाकिस्तान जो है वो बैकफुट में है। अब सवाल यह है कि मुस्लिम देश जो हैं वो क्यों टेंशन में है? पिछली बार समर्थन कर रहे थे, इस बार नहीं कर रहे हैं, क्यों टेंशन में है मुस्लिम देश? जरा इसको समझते हैं बिग वॉल ग्राफिक्स के जरिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं और समझाते हैं मुस्लिम देश क्यों परेशान है। तो देखिए, क्यों टेंशन में है मुस्लिम देश, ये सवाल है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का गठन बंदूक के दम पर हुआ, ये हम सब जानते हैं। तालिबान की आतंकवादी छवि से दुनिया परेशान है क्योंकि कई ऐसे आतंकवादी हैं जिन पर करोड़ों अरबों रुपए का इनाम रखा हुआ है। तालिबान कैबिनेट में कई खुखार आतंकवादियों को जगह मिली है, खासतौर पर हक्कानी नेटवर्क जिसके पाकिस्तान से रिश्ते हम सब ने देखे। कई आतंकवादी संगठनों का तालिबान को खुला समर्थन है, अब तो अलकायदा भी सीधे सीधे शामिल हो चुका है। अमेरिका के दुश्मन अलकायदा का तालिबान को समर्थन है, 7,500 लड़ाके अभी कल की खबर थी वहां पर अलकायदा के शामिल हुए हैं तालिबान के साथ। अफगान में सरकार बनते ही तालिबान का जुल्म जो है वो शुरू हो गया है और तालिबान 1 और तालिबान 2.0 में कोई डिफरेंस नहीं है, तालिबान ने दिखा दिया है। तालिबान राष्ट्र से दुनिया में आतंक फैलने खतरा है और यह शायद एक बड़ी वजह है मुस्लिम देशों के भी डरने की। तालिबानी सरकार में चीन के दखल से दुनिया जो है वो चिंतित है। तालिबान की मान्यता पर भविष्य की राह जो है वो तय की जाएगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या भविष्य होगा क्या नहीं होगा। हमारे साथ क्योंकि कमर आगा साहब हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। कमर आगा साहब, जरा ये समझाइए कि वही तमाम मुस्लिम देश जो तालिबान का समर्थन करते थे या पाकिस्तान को मुस्लिम होने के नाते समर्थन करते थे, आज पाकिस्तान से भी दूरियां हैं और आतंकवाद को लेकर तालिबान से भी दूरियां हैं, इसकी वजह क्या बड़ी लगती है? आपका एनालिसिस क्या कहता है इसको लेकर? देखिए, उसकी कई वजह है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने हमेशा दोहरी बातें की, इन देशों से पैसा लिया, अमरीका के साथ भी यही किया, सऊदी अरेबिया और यूएई और कतर बहरैन जितने हैं उन सब देशों के साथ ये किया, ईरान के साथ भी यही किया, इन लोगों से हमेशा पैसा मांगते रहे। जब भी उनके पास इकोनॉमिक क्राइसिस आई और वो क्राइसिस ख़त्म होने का नाम ही नहीं लगती, मुल्की फेल स्टेट बन चुका है। और दूसरी तब ये था कि आतंकवाद को भी बढ़ाते रहे, आतंकवाद भी पड़ता रहा, अलकायदा के चीफ वहाँ रहते थे और सऊदी अरेबिया अलकायदा से परेशान थी वहाँ के ऊपर, आज भी अलकायदा के लोग वहाँ पर मौजूद हैं सऊदी अरेबिया में और दूसरी जगह, ये एक चिंता उन लोग को बनी हुई थी बहुत दिनों से। दूसरी बात ये थी कि तेल का कारोबार जो था, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी उनको भारत की तरफ जोड़ रहे थे। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत इस पूरे इंडियन ओशन का जो पूरा क्षेत्र है, गल्फ ऑफ ओमान से ले के स्ट्रेट ऑफ मलाका तक, यहाँ पे एक बड़ा अमन शांति जो सी लेंस हैं उनको प्रोटेक्ट करता है और यहीं से सारा तेल सऊदी अरेबिया का, यूएई का, ईरान का या जिसका भी जितना भी वहां से तेल है जो पास होता हुआ जाता है। नहीं, तो आप क्या ये कह रहे हैं सर कि पाकिस्तान को लेकर वो ये समझ गए कि आप पाकिस्तान को सिर्फ दे सकते हैं, वहां से मिलना कुछ नहीं है और जो मिलेगा वो लेने लायक नहीं है, वो दहशतगर्दी आतंकवाद मिलेगा वो ले नहीं सकते। जी, वहां से केवल आतंकवाद मिलता है और कोई चीज नहीं मिलती, उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो भारत को या किसी भी दूसरे, यही टिप्पणी आपकी भी है ना, और इसी वजह से रवैया बदल रहा है कि जो पाकिस्तान आपसे बहुत कुछ लेता रहता है, समय आने पर आपको गच्चा भी देता है, बातें भी पलटता है और उसके बाद कुछ लौटाएगा तो आतंकवाद, बाकी कुछ नहीं ले सकता वो। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखे आप वहां पे, आप जब देने की बात हो रही है, आप अफगानिस्तान की ही बात कर ले, वहां पे क्या वो दे रहे हैं और क्या वो सेक्शन दे रहे हैं और किस तरह की वहां पे ट्रेनिंग चल रही है और कैसे उनसे आप वापिस देखें, खुद पाकिस्तान के अंदर तालिबान के झंडे फहराए जा रहे हैं, उससे इन्होंने क्या किया, तो आज जो ये बो रहे हैं कल को वैसा ही काटना ना पड़ जाए, इसको समझना चाहिए। इसलिए जितनी भी टेररिज्म की बात चल रही है, जितनी भी इस तरह की आतंकी चीजें हैं, उनको एनकरेज नहीं करके इंसानियत की बात करनी चाहिए। और सही, और आज जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर यहाँ के सऊदी अरब के वहां गए हैं, तो इनसे भी उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर उनके पेट में दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि इंडिया जो है वो पूरी तरह से आइसोलेशन में चला गया, इंडिया की कोई पूछेगा नहीं है, और उनको पता नहीं है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी यही तो सबसे बड़ी भूल थी, और किस तरह से ये सबसे बड़ी भूल थी। और धीरे धीरे देखिए आगे इब्तदाए इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी आगे हिंदुस्तान के आगे जो अभी पॉलिसी चल रही है, आप देखेंगे अभी जितने भी दूसरे कंट्रीज के भी फॉरेन मिनिस्टर्स हैं और जो लोग हैं वो यकीनन हिंदुस्तान के साथ रहेंगे और हमेशा रहे, और हिंदुस्तान का सऊदी अरब से तो बहुत ही शानदार रिलेशन रहा है, ये मैं बार बार कहता हूँ। और काबुल के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर जो एक इंसानियत का काम हिंदुस्तान करते रही, आज भी एक ही स्टैंड है दोनों कंट्रीज का, और आप देखें कि
वो ये कह रहे हैं हम काबुल अफगानियों के साथ हैं, हम इंसानियत के साथ हैं, हम उनकी मदद बिल्कुल हम इंसानियत के साथ हैं, और इसीलिए ये दबदबा नजर आ रहा है। और सऊदी अरब का जिक्र आप कर रहे हैं, मैं बखूबी जानता हूँ आसिफ साहब, क्योंकि आप भी उस मुहिम से जुड़े रहे हैं, किस तरह से आजादी का अमृत महोत्सव जो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, सऊदी अरब कितना आगे बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका भी इल्म है।